हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू करंट अफेयर्स फंडा। और करंट अफेयर्स की सीरीज में आज हम देखेंगे वाइजैक गैस लीक ट्रेजेडी। तो जैसा कि आपने न्यूज में भी देखा होगा कि विशाखापट्टनम में एक प्लांट के अंदर एक गैस लीक हो गई, ठीक है, जिसके कारण वहां पे मतलब लगभग 3-4 किलोमीटर के एरिया में वहां के लोगों ने इसको महसूस किया और उसके कारण 11 लोगों की डेथ भी हो चुकी है। ओके फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको इस पूरे विषय के बारे में अच्छे से नॉलेज हो सके। ओके फ्रेंड्स, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले फ्रेंड्स, इसके अंतर्गत हम क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में ऐसे समझने की कोशिश करेंगे इस पर्टिकुलर टॉपिक को, जहां पे हम देखेंगे कि इंसिडेंस कहाँ हुआ, एक्चुअली जो एग्जैक्ट पोजीशन है वो क्या है इंसिडेंस की, ठीक है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखेंगे कि आखिर वो फैक्ट्री किससे रिलेटेड है, भारत में कैसे उसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ, ठीक है। रीजन क्या थे पर्टिकुलरली, ये जो हुआ, ये जो कांड हुआ या फिर ये जो मिस हैपनिंग हुई, जो गैस लीक हुई, ये किसकी वजह से हुई और क्यों हुई, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ ये देखेंगे कि जो इस पर्टिकुलर गैस के बारे में हम चर्चा करेंगे, स्टेरिन गैस, ये बेसिकली है क्या, ये गैस इसका यूज कहाँ होता है, किस किस इंडस्ट्रीज में होता है, साथ ही साथ ये कैसे इफेक्ट करती है एक पर्टिकुलर ह्यूमन बॉडी को और क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, ठीक है, कि जब ये इसका इनहेलेशन होता है या कोई व्यक्ति से इनहेल करता है तो उसके बाद उसकी बॉडी क्या क्या सिम्टम्स देती है या फिर इंडिकेशन देती है। ओके, फिर कुछ देखेंगे हिस्ट्री के बारे में कि हिस्ट्री में ऐसे कांड पहले भी हो चुके हैं या इस पर्टिकुलर रिलेटेड ट्रेजेडी हो चुकी है, जिसका आपके पास एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है, भोपाल गैस ट्रेजेडी जो कि 1984 में हुआ था। और आखिरी में देखेंगे वे फॉरवर्ड, कैसे डील करने के लिए भारत, मतलब आने वाले समय में ऐसा कुछ और ना हो जाए इस पर्टिकुलर लॉकडाउन की स्थिति में, तो इससे कैसे सेंट्रल गवर्नमेंट आगे जाके मतलब डील करेगी। ओके, तो सबसे पहले फ्रेंड्स देख लेते हैं ये वाइजैक, ठीक है, ये भारत का मैप और ये विशाखापट्टनम जो कि आंध्र प्रदेश के अंतर्गत आता है या एक तटीय राज्य है, ठीक है। तो ये बेसिकली ये एलजी पॉलीमर्स का एक प्लांट है, ये पर्टिकुलर प्लांट, और यहाँ पे गैस लीक हुआ। तो उस पर्टिकुलर जो इसका रेडियस में अगर 3 किलोमीटर का रेडियस ले लें तो इस पर्टिकुलर एरिया में ये गैस फैली। ओके, तो ये जो गैस लीक हुई, ठीक है, ये बहुत सिमिलर है किससे, जो भोपाल गैस कांड हुआ था या फिर भोपाल ट्रेजेडी हुई थी उससे रिलेटेड है, ठीक है। और यहाँ पे मतलब जो भी इसके पीछे हैं उसे मतलब बिल्कुल अकाउंटेबल ठहराना चाहिए, ये कहना है कुछ न्यूज़पेपर्स का या फिर कुछ हेडलाइंस का, ठीक है। तो जो गैस लीक हुई है उसका नाम है स्टेरिन गैस और ये एक पर्टिकुलरली एलजी पॉलीमर का प्लांट है जो कि वाइजैक स्थित है, ठीक है, जिसके कारण 11 लोग की मृत्यु सुनिश्चित हो गई है अभी तक, ठीक है। और यहाँ पे मतलब एनवायरमेंट से रिलेटेड और फिर जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज से रिलेटेड जितने भी मतलब लूप होल्स हैं सामने आए हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो जो एलजी पॉलीमर का प्लांट है, ठीक है, ये बेसिकली एस्टैब्लिश हुआ था 1961 में, तब उस समय इसका नाम था हिंदुस्तान पॉलीमर करके, ठीक है, जहां पे पॉलीस्टीरिन, ठीक है, एक बेसिकली एक को पॉलीमर है जिसको डेवलप किया जाता था विशाखापट्टनम के अंदर, ठीक है। फिर इसको क्या किया, इसको मर्ज कर दिया मैकडोवेल एंड को के अंतर्गत जो कि एक यूबी ग्रुप की कंपनी है, ठीक है, 1978 में, ठीक है। और उसके बाद इसे साउथ कोरिया बेस्ड एक कंपनी ने इसे टेक ओवर कर लिया था जिसका नाम है एलजी केमिकल्स इन 1997 और फिर इसको रीनेम कर दिया गया था एज एलजी पॉलीमर्स। ओके फ्रेंड्स, तो ये बेसिकली एलजी पॉलीमर्स जो फैक्ट्री है उसका इतिहास है, पहले हिंदुस्तान पॉलीमर्स के नाम पे थी, ठीक है, फिर उसके बाद मैकडोवेल को ने इसे अपने ग्रुप में लिया या फिर मैकडोवेल ग्रुप यूबी ग्रुप की कंपनी उसने खरीदा, उसके बाद साउथ कोरियन बेस्ड एक कंपनी उसने खरीदा इसे जिसका नाम था एलजी केमिकल 1997 में और तब से इसका नाम बदल दिया था एलजी पॉलीमर्स, ठीक है। बेसिकली मैन्युफैक्चर करते थे जनरल पर्पज जो पॉलीस्टीरीन होता है, हाई इंपैक्ट पॉलीस्टीरीन प्लास्टिक होता है, जैसे आपने देखा होगा जो प्लास्टिक मटेरियल्स यूज करते हैं डिस्पोजेबल और जो कटलरी वगैरह में प्लास्टिक यूज होता है, ठीक है, या फिर आप देख लें इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज में भी उस प्लास्टिक का यूज होता है, ठीक है। और ये जो पर्टिकुलर गैस है ये बहुत ही ज्यादा पॉइजनस होती है, ठीक है फ्रेंड्स, और ये एक प्रकार से इंजीनियरिंग प्लास्टिक कंपाउंड होता है। ओके, जिसकी हम बात कर रहे हैं स्टेरिन की। ओके फ्रेंड्स, तो अब देख लेते हैं व्हाट आर द कॉजेस, बेसिकली कॉजेस क्या थे उस गैस लीक के या उस गैस लीक के पीछे क्या कारण थे और क्या वजह ठहराई जा रही है कि हाँ इस कारणवश उस गैस को मतलब वो गैस अपने आप लीक हो गई। तो बेसिकली एक मतलब एक सस्पेक्टेड है, मतलब ये कोई प्रूफ थ्योरी नहीं है, बस ये लोगों के द्वारा कहा जा रहा है या वहां के जो ऑफिशियल्स है वो कह रहे हैं कि जो दो टैंक्स थे वहां पे, बड़े बड़े दो टैंक्स थे, 5-5 टन के दो टैंक्स थे, ओके, तो काफी समय से प्लांट बंद पड़ा था, ऑलमोस्ट जैसा कि लॉकडाउन की स्थिति चल रही है तो 40
30-40 दिन से वो टैंक मतलब वो सॉरी फैक्ट्री बंद थी, तो उस पर्टिकुलर टैंक से ऑटोमेटिकली गैस रिलीज हो गई, ठीक है। और आर इनिशियल इन्फॉर्मेशन इज दैट द वर्कर्स वर चेकिंग, और जब वर्कर्स मतलब इनिशियली अभी थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन हुआ तो फैक्ट्री खुली तो वर्कर्स उसको चेक कर रहे थे, तो जस्ट बिकॉज ड्यू टू दैट कि थोड़ा बहुत लीकेज हो गया वहां से, ये कहना है किसका, जो फैक्ट्री के ऑफिशियल्स है उनका कहना है कि वो वर्कर्स जब चेकिंग करने गए वहां पे तो वो पर्टिकुलर जो बॉयलर्स होते हैं, पर्टिकुलर बड़े बड़े जो टैंक होते हैं उनके द्वारा ये गैस लीक कर दी गई। तो बेसिकली एलजी पॉलीमर जो प्लांट है वो गोपालापट्टनम नाम के एक आउटस्कर्ट में स्थित है, कहां पे, विशाखापट्टनम में। तो ये बेसिकली एक कॉज बताया, लेकिन अभी इसके पीछे कोई मतलब ये प्रूफ तथ्य नहीं है, ठीक है, क्योंकि अभी इसकी जो इंक्वायरी है वो होना बाकी है। ओके फ्रेंड्स, तो बेसिकली ये कहना किसका है, ऑफिशियल्स का, जो कि फैक्ट्री के ऑफिशियल्स है। अब जो वाइजैक में जो लीक हुआ है मतलब बहुत ही ज्यादा हाईलाइट हुआ, 11 लोगों की डेथ हो गई, और ये देखिए वहां के सीएम है जो ये वहां पे मिलने भी गए, ठीक है। बेसिकली ये बहुत ही मतलब बड़ी आपदा की घड़ी है, खासकर इस पैंडेमिक से भी भारत जूझ रहा है, और उसके बाद ये फिर इकोनॉमिक जो रिसेशन चल रहा है, इन सब के बावजूद ये एक बहुत ही मतलब निंदनीय कह सकते हैं आप, और ये मतलब ह्यूमैनिटी से रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, और ये जो छोटे लोग हैं या फिर जो जनता है, इनोसेंट पीपल हैं, वो यहाँ पे सफ़र कर रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दैट। ओके, तो ये एक थिक एयर होती है, ठीक है, ये जब ये एयर में मिल जाती है पर्टिकुलर गैस तो बहुत ज्यादा थिक हो जाती है, ठीक है, इसकी पंजेंट स्मेल होती है, ठीक है। तो जब कोई भी व्यक्ति उसे इनहेल करता है तो उसे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है और सफोकेशन महसूस होता है, और फिर वो अनकॉन्शियस भी हो सकता है, ठीक है। जिस प्रकार वाइजैक में ये गैस रिलीज हुई, उसी प्रकार एक इंसिडेंस हो चुका है जो कि भोपाल गैस ट्रेजेडी है, जो कि 1984 में हुआ था, और वहां पे भी एक यूएस केमिकल फर्म था, ठीक है, जहां पे क्या हुआ था, आइसोसाइनाइड गैस को रिलीज कर दिया, बट उस समय भी ऐसा एक कांड भारत के अंतर्गत हो चुका है। तो फ्रेंड्स, थोड़ा सा स्टेरिन गैस के बारे में भी जान लेते हैं कि बेसिकली ये है क्या। ये एक प्रकार के जो है ये इथाइलिन बेंजीन होता है, ओके, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो C8H8 होता है, ठीक है। इसकी डेंसिटी होती है 909 kg पर मीटर स्क्वायर, पर मीटर क्यूब सॉरी। उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो है 145 डिग्री सेल्सियस, और ये एक प्रकार का बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है। ये पॉइजनस भी है, इन्फ्लेमेबल गैस भी है, ठीक है, इनहेल नहीं कर सकते आप इसे, ठीक है, और बहुत ही ज्यादा पॉइजनस है। ये बेसिकली यूज होती है फॉर प्रोडक्शन ऑफ प्लास्टिक, ठीक है, ये प्लास्टिक की यूज में आती है, जैसे आप देखते हैं डिस्पोजेबल जो कटलरीज होती है और जो इलेक्ट्रिसिटी जो इक्विपमेंट्स बनाती है वो फैक्ट्रीज इसे यूज करती है, जस्ट बिकॉज कि उनका जो प्रोडक्ट है वो उसमें रैप होके या फिर सील होके ट्रांसपोर्ट हो सके, ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ इनहेलेशन, मतलब आप कितनी मतलब तीव्रता से जो गैस इनहेल कर रहे हो उस वो इफेक्ट करता है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, ठीक है, और उससे ये पता चलता है पर्सन कितना इफेक्टेड है जस्ट बिकॉज कि उसने इस पर्टिकुलर गैस को इनहेल कर लिया है। अगर आप शॉर्ट टर्म एक्सपोजर की बात करें तो उसमें रिजल्ट क्या होता है कि आई इरिटेशन होगा, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इफेक्ट्स होंगे, ठीक है, पेट में दर्द होगा या फिर मस्कुलर पेन होने लगेगा धीरे धीरे, ठीक है। और अगर पर्सन बहुत ज्यादा डिफिकल्टी महसूस करेगा किसे ऑक्सीजन को इनहेल करने में इस पर्टिकुलर गैस के, अगर वो शॉर्ट टर्म एक्सपोजर में आ जाता है, और अगर वो लॉन्ग टर्म एक्सपोजर में आ जाएगा फ्रेंड्स तो उसका जो सेंट्रल नर्व सिस्टम होता है वो भी यहाँ पर डैमेज हो सकता है, ठीक है, लॉन्ग टर्म एक्सपोजर की बात करें। और मतलब इससे ज्यादा क्या होता है, फैटलिटीज भी हो सकता है, ब्रेन डैमेज भी हो सकता है, तो डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस अराइज हो सकते हैं अगर कोई भी पर्सन शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म इसके एक्सपोजर में आ जाए। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ये बेसिकली ये हमने हम यहाँ पे चर्चा करी कि ये गैस यहाँ पे लीक हो गई, और यहाँ पे हमने ये भी चर्चा करी है इसके पीछे कॉजेस क्या हैं। बट एक फ्रेंड्स एक वे फॉरवर्ड होना चाहिए, ठीक है, कि ऐसे इंसिडेंट्स भारत में आने वाले समय में ना हो, जस्ट बिकॉज कि इसके होने से क्या होता है, जो इनोसेंट पीपल होते हैं वो सफर करते हैं, ठीक है, और एट द एंड ऑफ द डे, ठीक है, ये इससे बहुत सारी चीज इंपैक्ट हो सकती है। पहली बात तो एनवायरनमेंट इंपैक्ट होता है, फिर दूसरा ह्यूमैनिटी इंपैक्ट होती है, जस्ट बिकॉज कि छोटे छोटे जो लूप होल्स हैं या फिर जो इतनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज रहती हैं किसी भी शहर में, तो उसके अंदर क्या इतने सेफगार्ड्स हैं, इतने सेफ्टी मेजर्स हैं, ठीक है, या फिर उन सेफ्टी को तर्ज पे रख के काम किया जा रहा है, ठीक है। तो ये एक इंस्पेक्शन की बहुत ज्यादा जरूरत है, जस्ट बिकॉज कि ये पैंडेमिक भी चल रहा है भारत के अंदर और लॉकडाउन भी है बहुत समय से, तो अब पूरी कंट्री में एक सिक्योरिटी चेक होना चाहिए इन सारी फैक्ट्रीज में। ओके, ये सेंट्रल नोडल एजेंसी के द्वारा कराना चाहिए या फिर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट के द्वारा कराना चाहिए, होम अफेयर्स कर ले, होम मिनिस्ट्री करवा ले, ठीक है, कोई भी करा सकता है, लेकिन एक पर्टिकुलर चेक होना चाहिए और चेक एंड बैलेंसेस होना चाहिए, ठीक है, चाहे वो लॉकडाउन हो चाहे कुछ हो, लेकिन जो जो फैक्ट्रीज हैं जहां पे इतनी मतलब पॉइजनस गैस या फिर डेंजरस केमिकल
मटेरियल्स रहते हैं, तो वहां पे एक सिक्योरिटी चेक हमेशा ही होना चाहिए 24/7, ठीक है। जस्ट बिकॉज कि एट द एंड ऑफ द डे ये जो रिलीज हो रहा है, ये जो गैस का रिलीज हो रहा है, ये एनवायरनमेंट में हो रहा है, और अल्टीमेटली ये एनवायरनमेंट घूम फिर के जो जनता है वो उसे इनहेल कर रही है। एट द एंड ऑफ द डे द लास्ट मैन सफरर अगर आप कहें तो वो है एक पर्टिकुलर सिटीजन, वो कोई भी हो सकता है, आप भी हो सकते हैं, मैं भी हो सकता हूँ। ओके फ्रेंड्स, तो ये पर्टिकुलर वीडियो था इस पर्टिकुलर गैस लीक से रिलेटेड। ओके सो फ्रेंड्स, ये आपके लिए दो क्वेश्चन है, प्लीज इसे आप जरूर अटेम्प्ट करें। और थैंक यू, लेट्स होप फॉर द बेस्ट, और प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसे शेयर कीजिए, और अपने कमेंट्स जरूर दीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। अगर आप कमेंट्स नहीं देंगे तो उससे पता नहीं चलता है कि चीज़ें कितनी सही हैं और कितनी गलत हैं, ठीक है। और आप अपने सुझाव भी दे सकते हैं कि आने वाले समय में हम किस टॉपिक पे वीडियो आपके लिए लेके आए। ओके सो बाय बाय, टेक केयर, टिल वी मीट इन अ नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बी सेफ।